हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि आप किस तरीके से गोल शॉट्स को अपने शॉट मैप के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, आप अपने फर्स्ट स्क्रीन पे जो थर्ड ऑप्शन है राइट पे शॉट बुक का, उस पे जाते हैं। यहाँ डिफरेंट शॉट्स हैं, यहाँ सबसे पहले प्लैटिनियम शॉट है, वो हम ले नहीं सकते, तो इसलिए फिर हम उसको स्वैप करेंगे और हम स्वैप करते हुए मुख्तलिफ गोल शॉट्स सीखेंगे। अब जो गोल शॉट मैं ट्राई करने जा रहा हूँ ये गोल शॉट नंबर है 431, लेकिन मैंने सोचा मैं दूसरा शॉट ट्राई करूं, ये 323 शॉट है। तो इसको देखें तो जो 12 PM पे ब्लू कलर का एक आपको एरो बना नज़र आएगा, इसका मतलब है ये 12 PM पे शॉट लगेगा। तो हम इसको बाय करते हैं। देखिए, हमने इसको बाय कर दिया। अब बाय करने के बाद हमने देखना है कि किस तरीके से इसको शॉट मैप पे ऐड करेंगे। तो बस हम यहाँ से बैक करेंगे और अपनी मेन स्क्रीन पे जाएंगे, और मेन स्क्रीन पे जाके फिर हम सेटिंग्स में जाके शॉर्ट मैप पे जाएंगे। शॉर्ट मैप पे जाके आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने लॉफ्ट पे जाना है और फिर 12 PM सेलेक्ट करके बैकफुट पे जाना है। दोबारा बताता हूँ आपने क्या करना है, आपने 12 PM सेलेक्ट करना है, लॉफ्ट पे जाना है और उसके बाद आपने बैकफुट पे जाना है। या आप दोनों काम कर सकते हैं, पहले लॉफ्ट जा सकते हैं और 12 PM सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप पहले 12 PM सेलेक्ट करें फिर लॉफ्ट सेलेक्ट करें और फिर आप बैकफुट पे जाएं। तो आप देखिए बैकफुट पे 323 शॉट जो है वो आ चुका है। तो इस हवाले से आपने 323 शॉट जो है वो ऐड कर लिया। अब आप बाकी गोल शॉट दिखाता हूँ कि वो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं अपने शॉट मैप में। तो आप इसी तरह शॉट बुक पे जाएंगे, तो आप गोल शॉट पे जाएंगे, ये प्लेटिनियम शॉट है तो हम ये नहीं ले सकते। आप ये गोल शॉट पे जाएंगे और आप देखें इसके जो नंबर है वो है 208। अगर आप यहाँ देखें आप ब्लू एरो किधर बन रहा है, तो ये 7 PM की तरफ बन रहा है और जो बैट्समैन है वो एडवांस करके ये शॉट मार रहा है। तो आपने क्या करना है, अब हम बैक जाएंगे और हम बैक जाके सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद हम जो है शॉट मैप पे जाएंगे और शॉट मैप में जाके आप ये काम करेंगे कि आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे 7 PM, और 7 PM सेलेक्ट करने के बाद आपने एडवांस वाला बटन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। ये शॉट जब आपने बाई किया होगा तो वो इधर आ जाएगा। अब हम दोबारा दूसरे शॉट्स देखते हैं। हम दोबारा शॉट बुक पे जाते हैं और गोल शॉट सेलेक्ट करते हैं। इस बार जो है हम गोल शॉट जो है वो सेलेक्ट करेंगे 166, और 166 अगर आप देखें तो ये 1 PM पे जो है ये बैकफुट का शॉट है। इस शॉट को देखते हैं हम ऐड कैसे करेंगे अपने शॉट मैप में। हम सेटिंग्स में जाएंगे, शॉट मैप में जाएंगे और उसके बाद 1 PM जो है वो सेलेक्ट करेंगे और जो है ये लॉफ्ट दबा के आप इसको बैकफुट को सेलेक्ट करेंगे। ये बैकफुट शॉट पे आ जाएगा जब आपने इसको अगर बाई किया हुआ होगा, तो इस लिहाज से आप इसको शॉट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम दोबारा शॉट बुक पर जाएंगे और शॉट बुक जाके हम दोबारा अपना गोल्ड शॉट देखेंगे। इस बार जो है हम गोल्ड शॉट जो है वो सेलेक्ट करेंगे, वो हम सेलेक्ट करेंगे 226। ये 3 PM का फ्रंट फुट का शॉट है, क्योंकि आप ब्लू एरो देखें 3 PM पे आ रहा है। तो हम यही करेंगे, हम एक फिर जाके मेन स्क्रीन पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे और शॉट मैप पे जाएंगे, और शॉट मैप पे जाने के बाद हम जो है 3 PM सेलेक्ट करेंगे, हम लॉफ्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फ्रंट फुट पे हम जाएंगे। जब फ्रंट फुट पे जाएंगे उसको आप लेफ़्ट राइट जो है स्वैप करेंगे तो ये शॉट जो है अगर आपने बाय किया हुआ होगा तो ये वहाँ जो है अवेलेबल हो जाएगा। अब हम जो है दूसरे शॉट को देखते हैं, शॉट बुक में जाके हम बैक करते हैं और अब हम दोबारा शॉट बुक में जाएंगे और शॉट बुक में जाके हम स्वाइप करते हैं पेजेस। अब जो हम शॉट देखेंगे वो शॉट होगा 415। अब ये शॉट जो है वो 10 PM पे खेलेंगे। देखें ब्लू जो एरो आ रहा है वो 10 PM पे आ रहा है। आपने ये 10 PM का शॉट सेलेक्ट करना है, इसलिए हम जो है अब दोबारा मेन मेन्यू पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, फिर शॉट मैप पे जाएंगे और जो है आप 10 PM जो है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लॉफ्ट सेलेक्ट करेंगे और ये फ्रंट फुट का शॉट है तो फ्रंट फुट पे आप लेफ्ट राइट स्वैप करेंगे तो अगर ये शॉट आपने बाय किया होगा तो ये वहाँ आ जाएगा। इसी तरह हम दोबारा शॉट बुक में जाते हैं, हम दूसरा अपना शॉट देखते हैं और ये जो शॉट है ये हम देखते हैं, ये शॉट नंबर है, पेज को स्वाइप करते हैं, ये शॉट नंबर है 431। और अगर आप इसका ब्लू एरो देखें तो ये 11 PM पे आ रहा है और ये बैकफुट की नेचर का शॉट है। तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा सेटिंग्स पे जाएंगे, शॉट मैप पे जाएंगे और आप जो है 11 PM सेलेक्ट करेंगे और जो है उसके बाद लॉफ्ट सेलेक्ट करेंगे और उस बाद बैकफुट को आप राइट और लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो अगर आपने ये शॉट बाई किया होगा तो ये इधर आ जाएगा। तो हम जो है अपने लास्ट शॉट की तरफ देखते हैं जो हमने बाई किया हुआ है, और हम दोबारा शॉट बुक पर जाते हैं और हम जो है लेफ़्ट स्वाइप करते हैं
और लेफ़्ट स्वाइप करते हैं और लेफ़्ट स्वाइप करते हैं तो आप ये देखिए कि हमारा जो शॉट है 323 ये आ गया है। अब ये देखिए 12 PM का शॉट है। तो हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा शॉट मैप पे जाएंगे। अपने शॉर्ट मैप पे जाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम 12 PM जो है वो सेलेक्ट करेंगे और जो है उसके बाद हम लॉफ्ट सेलेक्ट करेंगे और आप जो है वो बैक फुट पे लेफ्ट राइट स्वैप करेंगे तो 323 शॉट जो है वो आ चुका है वहाँ। तो गाइस ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो शॉट्स हैं ये सारे बैट्समैन के लिए होंगे, चाहे ब्रूट हो, बैलेंस्ड हो, रेडिकल हो, डिफेंसिव हो। तो ये शॉट अगर आपने बाय कर लिया होगा तो ये शॉट आ जाएंगे आपकी शॉर्ट मैप पर। तो थैंक यू गाइज, आई होप इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी।